दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपकी क्लास हिंदी की होती है शाम को 7 बजे। इसी क्रम में आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी। कम समय में आपके अधिक क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चंस का ये मॉक टेस्ट है। किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण एवं साहित्य से प्रश्न आते हैं, इन सुपर 50 क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस के तौर पर लगाएं ताकि हिंदी में आपका एक भी प्रश्न गलती से भी गलत ना हो। एक क्वेश्चन लास्ट में आपको होमवर्क मिलेगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। कुछ आसान क्वेश्चन जरूर होंगे निश्चित रूप से। इन 50 क्वेश्चन में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान आपको मिलने वाले हैं। असली लड़ाई 15 क्वेश्चन में होगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। जिस तरीके से 150 क्वेश्चन नंबर का जब पेपर होता है तो 120 क्वेश्चन की तैयारी सबकी होती है। 100-120 तो सब ले आते हैं ऑन एवरेज, जो बच्चा जो रेगुलर पढ़ रहा है। लेकिन 150 में अब वर्तमान समय में इतना कंपटीशन है कि जिसका नंबर 130 होगा, 130 प्लस होगा, सिलेक्शन उसी का होगा। तो उसके लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, क्रियावाच्य। तीन प्रकार का वाच्य होता है, आपने पढ़ा होगा। और इसी क्रम में आपसे पूछा जा रहा है कि आम खाया जाता है, इसमें कौन सा वाच्य होगा? तो यहाँ पर जो है कर्म की प्रधानता है, इसलिए कर्मवाच्य हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अव्यय पहचानना है, कौन सा शब्द अव्यय है? वर्तमान दिया है, नया है, तथा है, सुंदर है। ठीक है, नया, सुंदर और यहाँ पर जो शब्द दिए गए इसमें नया और सुंदर तो विशेषण शब्द है, और तथा जो है ये अव्यय शब्द है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जो भी लोग इस क्लास को रिकॉर्डेड प्रीमियर के रूप में देख रहे हैं, माफ़ी चाहेंगे हम आपके कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, बट हाँ जानते हैं कि कौन कौन लोग जुड़े होंगे क्योंकि हम कमेंट में आप सबके साथ जुड़ रहे हैं। हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा होगा? देखिए पहला क्या दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, फिर विस्मयादिबोधक दिया है, और फिर यहाँ पर आपका पूर्ण विराम भी दिया है, लेकिन जो लास्ट में दिया है ये क्या है? अल्प विराम है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा विकल्प। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के चार अध्याय, रश्मिरथी। रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृति के चार अध्याय, इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, जायसी, सूरदास, तुलसीदास। पद्मावत जो है ये जायसी की रचना है, अर्थात यहाँ पर आपका विकल्प भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाग्य रेखा किसकी कहानी संग्रह है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी। क्वेश्चन नंबर 6, निश्चित रूप से ये प्रश्न आप में से कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा और गलत हो सकता है अगर आपकी परीक्षा में आ जाए, तो इसको याद कर लीजिए। भाग्य रेखा जो है ये भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है कहानी संग्रह। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि भाग्य रेखा की विधा क्या है? कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी। तो ये कहानी संग्रह है जो कि भीष्म साहनी का है। वेणु लो गूंजे धरा, इसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 7 में आपका आंसर हो जाएगा, वेणु लो गूंजे धरा, इसके रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अच्छा, इनको भी कोई पुरस्कार मिला था सबसे पहले हिंदी भाषा से, कल की क्लास में आपको बताया था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किस रचना के लिए कौन सा पुरस्कार इनको मिला था। विशेषण शब्द पहचानिए, ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। प्रश्न संख्या 8, ऐतिहासिक जो है ये एक विशेषण शब्द है जो विशेषता बताता है, जैसे कहा जाता है ये इमारत काफी ऐतिहासिक है, ठीक है, ये स्थान काफी ऐतिहासिक है। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर प्रथम पूछ रहा है, जागना मूल क्रिया है, जागना का प्रथम प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 9, जगाना हो जाएगा, यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण वर्तमान काल किस विकल्प में दिया गया है जिसमें पूरा मतलब हो गया हो काम, एक तरीके से कार्य पूरा हो रहा हो?
तो पढ़ने का समय हो गया है, ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11, सुरेश गीत गा रहा था, इस वाक्य में कौन सा काल होगा? गीत गा रहा था, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है गीत, अभी भी गा रहा था, यानी ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। भूतकाल में तो है लेकिन पूर्ण नहीं है, आसन्न भी नहीं है, सामान्य भी नहीं है, अपूर्ण भूत इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। जैसे इसके आप सभी जो हैं प्रकार को समझ सकते हैं, भूतकाल 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रकार का होता है। सामान्य भूतकाल का एक उदाहरण है राधा गई, आसन्न भूतकाल राधा गई है, पूर्ण भूतकाल जा चुकी थी, काम पूरा हो चुका है, अपूर्ण भूतकाल जा रही है मतलब रास्ते में है, संदिग्ध है, डाउट है, राधा गई होगी, पता नहीं गई है या नहीं गई है। हेतु, हेतुमत भूतकाल क्या होता है? यदि श्याम आता तो राधा जाती, निर्भर होता है इस पर। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर सुरेश गीत गा रहा था, यानी अपूर्ण भूतकाल है ना, अपूर्ण में क्या है, अभी भी काम हो रहा है। अगला देखिएगा, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द यानी पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पंकज, अंडज, खग खग या फिर नभचर। 12वें प्रश्न की अगर बात करें तो पंकज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, इसलिए यहाँ पर आंसर पहला हो जाएगा, अंडज, खग, नभचर, ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, इसका विलोम, अनाथ का विलोम। अब ऐसे प्रश्न में जल्दबाजी में एग्जामिनेशन हॉल में क्या गड़बड़ी होती है, हड़बड़ी और गड़बड़ी क्या होती है, अनाथ देखते ही कई बार हम ये प्रश्न नहीं पढ़ते हैं कि विलोम पूछ रहा है कि पर्यायवाची पूछ रहा है, और हमारा ध्यान चला जाता है इस पर, एकांकी कह रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो ये नहीं, यहाँ पर विलोम पूछ रहा है, तो अनाथ का क्या हो जाएगा, सनाथ। 13 का ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अनेकार्थी शब्द नहीं है, कनक, अनंत, महावीर, हत्या। आपने कनक कनकते वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तो एक कनक का अर्थ क्या होता है, सोना, और एक कनक का मतलब शब्द वही है लेकिन इसका अर्थ हो जाता है धतूरा। इसी तरीके से अनंत, अनंत का मतलब आप पढ़ते होंगे मैथ में, इनफाइनाइट है ना, जैसे साइन कॉस टेन में आप वैल्यू पढ़ते हैं तो वहाँ पर काफ़ी नंबर्स की जो वैल्यू है इनफाइनाइट अनंत होती है। एक अनंत ईश्वर मतलब अनंत भगवान का भी नाम है, जिसका कोई अंत ना हो, अनंत भगवान के लिए भी कहा जाता है। अनंत चतुर्दशी का व्रत होता है, तो ये भी है। महावीर जो है बजरंगबली के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और महावीर स्वामी ठीक है जैन धर्म से संबंधित उनका भी नाम था। तो इन तीनों के अनेकार्थी हैं लेकिन हत्या का अनेकार्थी नहीं है। ऐसे भी आप देख सकते हैं, अनंत का मतलब आकाश, ईश्वर, विष्णु, अंतहीन, शेषनाग। महावीर को आप जानते होंगे, हनुमान जी, बहुत बलवान, जैन तीर्थकर या फिर शक्तिशाली। कनक का तो हम आपको बता ही चुके हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। जिनका संबंध आध्यात्म से है उसको क्या कहेंगे, आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक, अर्थात पहला विकल्प सही होगा। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है, एक जैसा दिखने में हो लेकिन अर्थ अलग अलग हो, समरूपी। पढ़ने में ही आपको लग रहा होगा कि ये कहीं से भी नहीं लग रहे हैं कि पढ़ने में एक जैसे, अवधि और अवधि ये समरूपी हैं और अर्थ भी इनके अलग अलग हैं। अवधि मतलब ड्यूरेशन और अवधि एक भाषा है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए, उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम, कारक। प्रश्न संख्या 17, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अव्यय। प्रतिदिन क्या है, अव्यय शब्द है। मिलाप में कौन सा प्रत्यय है, मिल, आप, अप, लाप। प्रश्न संख्या 18, तो मिल में आप प्रत्यय, मूल शब्द के जो बाद लगते हैं वही प्रत्यय कहलाते हैं। प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, प्रतिधन आघात, प्रत्याघात जो लोग बता रहे हैं सही है, पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। महौषध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन औषध, महाधन औषधि, औषधि या फिर औषधि। प्रश्न संख्या 20, देखिए लास्ट में बड़ी की मात्रा लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, वृद्धि संधि है, दो पाई लगी हुई है, तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या होगा, महाधन औषध, महौषध, पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तत्भव शब्द को पहचानिए, पाषाण, कंकड़, प्यासा, पक्ष। पक्ष का त
तद्भव हो जाएगा पंख, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, तद्भव यानी बाकी तत्सम दिए होंगे। प्यासा जो है ये तद्भव शब्द है, प्यासा तद्भव शब्द है। 21 में आपका सी सही होगा, और पाषाण का जो तद्भव होता है वो पाहन होता है। इसी प्रकार से कंकड़ का ये वाला लड़ा हटा करके ये वाला अड़ा होता है, पक्ष का पंख होता है। अशुद्ध वाक्य पहचानना है, आज मैं यही रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है, गलत वाला देखना है। आज मैं यही रहूँगा एकदम शुद्ध है, क्या तुम कॉलेज जाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, ये भी सही है, ये भी सही। सज्जन लोग नहीं होगा, सज्जन भला ही सोचते हैं, सज्जन होगा, ठीक है। सज्जन का मतलब ही होता है कि अच्छे लोग, तो सज्जन लोग जो ये शब्द लगा है ये एरर है, उत्तर होगा सज्जन भला ही सोचते हैं। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, तो यहाँ पर अशुद्ध अंश कौन सा है, मुझे आज खाने का तो सही लिखा है, मन नहीं होती है ये गलत है, क्योंकि मन नहीं होता है, अगर होता तो ये सही होता। वाच्य के कितने प्रकार हैं, 3, 4, एक प्रकार भी नहीं। तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, अर्थात वाच्य 3 प्रकार का होता है। 24 में पहला विकल्प सही हो जाएगा। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, आप कोई वाक्य लिख रहे हैं और वो वाक्य पूरा हो रहा है तो उसके बाद में क्या होता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में आपका सही जवाब क्या होगा, विकल्प बी के साथ हम लोग जाएंगे। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। लोहे के चना चबाना का मतलब ये नहीं होता है कि स्पष्ट बात करना, बहुत कठिनाई झेलना, बहुत कठिनाई झेल करके हम लोग को हमारे माता पिता पढ़ाते हैं, पैसा देते हैं, कमा करके खेत में काम करते हैं, आप सब जानते होंगे, आप सब इस चीज़ को अच्छे से, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ क्या होगा, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना, या फिर गुण। क्वेश्चन नंबर 27, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, सॉरी। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, रघुपति राघव, राजा राम। जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, 16 मात्रा वाला एक ही होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बताइए 29वें प्रश्न में, चौपाई कहते हैं, इसलिए इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी ना करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा, आजीवन में आपको बताना है समास क्या होगा। कोई विशेषता नहीं है, संख्यावाची नहीं है, ना ही कारक चिन्ह का लोप है, अव्यय शब्द लगा हुआ है, तो आजीवन में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध, शोक, उत्साह, विस्मय, करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक, अर्थात विकल्प बी इसके लिए सही जवाब हो जाएगा। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया, वर्णों के समुदाय को क्या कहेंगे हम लोग, वर्णमाला कहेंगे, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग को पहचानिए, संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी, प्रश्न संख्या 33। गौरव, समुदाय, संसार ये पुल्लिंग है, अश्विनी जो है ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नहीं है, बेटा, कौन सा जोड़ा नहीं है, बेटी, बेटियाँ, डिबिया, डिबिये, श्रोता, श्रोतागण, वधु, वधु, यानी बहुवचन लिखा गया, कौन सा यहाँ पर गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो श्रोता का श्रोतागण हो जाता है, वधु का वधुएँ हो जाता है, डिबिया, डिबिये गलत लिखा हुआ है, ये अशुद्ध रूप है यहाँ पर। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचाने, रिकॉर्डेड क्लास है, हमको लग रहा है 20 या 25 मिनट में ही आपके 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। संबंध कारक, रामा खाना खाता है,
राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। राधिका खेत में काम पर जाती है, पीहू स्कूल जाती है। तो राधा का कुत्ता, ये संबंध बता रहा है कि कुत्ता किसका है, राधा का है। तो यहाँ पर संबंध कारक का प्रयोग किया गया है। 35वें प्रश्न में बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया, यानी राष्ट्रकवि किसको कहा, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंदन पंत। 36 में आपका आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त जी को गांधी जी ने राष्ट्रकवि का सम्मान दिया। विकल्प यहाँ पर आपका सही हो जाएगा सी वाला। क्यों? इनकी एक कविता थी भारत भारती, इसको पढ़ करके काफ़ी प्रभावित हुए और राष्ट्रकवि कहा। जिस तरीके से राष्ट्रपिता कहलाए महात्मा गांधी, तो राष्ट्रकवि का सम्मान मैथिली शरण गुप्त जी को जाता है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, इस उपन्यासकार का नाम क्या है, प्रेमचंद जी, शरदचंद चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका उत्तर हो जाएगा शरदचंद चट्टोपाध्याय। देवदास उपन्यास किसका है, शरदचंद चट्टोपाध्याय जी का है। सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सुमित्रानंदन पंत। सरोज स्मृति जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है, इसलिए इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। तो यामा जो है ये तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, इसको हम क्या कहेंगे एक शब्द में, क्या रेखा चित्र कहेंगे, संस्मरण कहेंगे, आत्मग्लानि कहेंगे, आत्मकथा कहेंगे, आत्मकथा। क्योंकि अपने जीवन पर स्वयं लिखी हुई कथा को हम क्या कहेंगे, आत्मकथा कहेंगे। अन्न अन्य शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। अन्न का मतलब अनाज और अन्य का मतलब दूसरा, पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है निर्गुणा शब्द का उपसर्ग क्या होगा, नी, नी, निर, निर्गुण। क्वेश्चन नंबर 42 में आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ निर उपसर्ग हो जाएगा। खिलौना शब्द में मूल शब्द क्या है, खिल, खेल, औना, ना। खिलौना में मूल शब्द हो जाएगा खेल, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी, विशेषण संबंधी। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उन्होंने, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। उनको कहाँ जाना है या उसको कहाँ जाना है, ये हो सकता था, यानी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्रिया संबंधी नहीं है, विशेषण संबंधी भी नहीं है। 44वें प्रश्न में आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है, स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, मात्रा का। क्वेश्चन नंबर 45, स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है, ऑप्शन यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, संधि, समास, समास विग्रह, समास विच्छेद। समास विग्रह कहलाता है। कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता होती, कर्ता, भाव, विचार, कर्म। कर्म की प्रधानता होती है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता क्या कहलाते हुए, क्रिया, वचन, अव्यय, वाच्य। जिन पर कोई प्रभाव ना पड़े उनको हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो चिन्ह बना हुआ है इसका नाम क्या है, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, अल्प विराम, योजक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप जानते हैं पूर्ण विराम ये हो गया, अल्प विराम ये हो गया, योजक चिन्ह ये हो गया, तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना दे करके डैश अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष, विपरीत, पर्याय, असामान्य। मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना दे करके विपरीत तो करेंगे नहीं, ना ही पर्यायवाची मुहावरे हो जाएंगे, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वही मुहावरे कहलाते हैं। एक प्रश्न आपके लिए, सत्यकाम के रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर सभी लोग लिखिएगा। और रिकॉर्डेड थी इसलिए समय कम लगा क्योंकि आपका नाम नहीं बोलना हुआ, कोई एक्स्ट्रा कमेंट नहीं लेना हुआ। तो इन 20 मिनट में आपका जो भी आपका समय हमने ख़राब किया
उससे अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, पता चल जाएगा कि आपने क्लास को अंत तक देखा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।